अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तभी मैं इधर सऊदी अरब के एकदम आउटसाइड में आया हुआ हूँ और इधर मुझे जो है छत की मैं पाइपिंग कर रहा हूँ और छत की पाइपिंग से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक का काम कैसे होता है। अगर ये सब आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं ये गाँव का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर जो गाँव की किराना स्टोर है, जनरल स्टोर जिसे बोला जाता है या सुपर मार्केट बोल लीजिए, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे दिल से गुजारिश है कि यार लाल वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल वाली बटन दबाने में कोई मेहनत नहीं लगती है ना कोई पैसा लगता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को यहाँ से छत से थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, फिर रोड से सीधे सुपर मार्केट की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ी में पूरा गाँव ये बसा हुआ है, देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत काफ़ी प्यारा है। और वो सामने जो देख रहे हैं ये पीला पीला जो घेरा हुआ है, यहाँ पे सब्जियों की खेती होती है, मजरा जिसे अरबी में बोल सकते हैं और मजरा ही बोला जाता है। तो ये पूरा इलाका है। तो अब चलिए यहाँ की जो मार्केट होती है अब सीधे वहाँ पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का किराना स्टोर जनरल स्टोर इन गाँव का कैसा होता है, ठीक है। और ये पूरे गाँव में ये जितना ये देख रहे हैं काफ़ी किलोमीटर के दायरे में ये है और सिर्फ एक ही दुकान यहाँ पर है, ठीक है। और ये सेलिंग से जुड़ी हुई वीडियो, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हैं ना तो चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक का काम कैसे होता है। तो चलिए अब चलते हैं सुपर मार्केट की तरफ। तो मेरे दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ का एकदम आउट एरिया का गांव है। गांव क्या एक हिसाब से बोल लीजिए, ये पूरी नई आबादी है। पहले किसी दौर में ये इस तरह टाइप में सऊदियों का ये हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सब माशाल्लाह अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं। और ये बाउंड्री की डिजाइन देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है। आउट एरिया का जो बकाला होता है ना सुपरमार्केट, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग सोच नहीं सकते कि ऐसी एरिया में इतना खूबसूरत जो है कि क्या बोलते हैं सुपरमार्केट होगा। ये देखिए, देख रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना जबरदस्त, देखिए एकदम सन्नाटा चारों तरफ से, एक भी न घर है न द्वार है कुछ भी नहीं। अब कोई सोच सकता है कि इस एरिया में दुकान खुलेगी। और यहाँ पे देखिए ये सेवल खड़ा हुआ है, अब जिसको भी ज़रूरत होगी वो यहाँ पर आएगा और सेवल लेकर के जाएगा। और सेवल का जो है तकरीबन पता नहीं 150 या 200 रियाल घंटे के हिसाब से चलता है, बहरहाल उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। तो हम चलते हैं यहाँ की जो सुपर मार्केट होती है, जो गाँव खेड़ा एरिया का आउट एरिया का जो बकाला वगैरह होता है, उस एरिया में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यही आगे ही है, देख रहे हैं ये चारों तरफ से देख लीजिए कुछ भी कहीं दिख रहा है, एकदम चटियल मैदान, ये पहाड़ी वगैरह, इक्का दुक्का घर, बस यही सब दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं आपको आगे मिलेगा। देख रहे हैं ये सब अभी नए नए ये सब घर वगैरह बन रहे हैं। हमारे यहाँ अगर जो ऐसे एरिया में दुकान खोल दिया जाए तो भाई लुटेरे लोग आकर के लूट ले जाएंगे, ये कंफर्म है। देख लीजिए एरिया, लेकिन एक चीज है माशाल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना बहुत ही टाइट है। कुछ भी हुआ एक फोन मारो, 5 मिनट के अंदर में पुलिस चारों तरफ से आकर घेर लेती है, समझ गए। और वायरलेस सनासन वायरलेस जो है मार देते हैं तो हर जगह पे पुलिस एकदम तैनात रहती है। ये एक चीज तो है, यहाँ पे कानून जो है ना माशाल्लाह तबारकअल्लाह बहुत ही सख्त है, इसीलिए क्राइम यहाँ पे बहुत कम है मेरे भाई। तो ये सुपर मार्केट है, देख रहे कैसी एरिया है और यहीं पे ये सुपर मार्केट है। तो हम चलते हैं इसके अंदर और चल करके लेते हैं पहले अपने लिए ठंडा। कुदरत है भाई, ये देख लीजिए हर चीज उपलब्ध यहाँ पे रहती है। यहाँ पे फ्रिज वगैरह देख लीजिए, कुदरत। ये एनर्जी ड्रिंक है, काफी जबरदस्त ड्रिंक ये होती है। अब देख लीजिए सुपर मार्केट के अंदर ये साग सब्जी, ये जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और ये पानी है, हम लेते हैं 2 पानी भी साथ में, टमाटर भी देखिए। और यहाँ पे फ्रीजर है, इसके अंदर आइसक्रीम वगैरह है, ये एक से एक क्वालिटी की आइसक्रीम इसके अंदर है। और ये चप्पल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं, देख रहे हैं हर एक चीज़ उपलब्ध है। क्लोजअप
पानी कितने का अनुज का? हाँ, और ये लेबन है, दही जिसे बोलते हैं, माठा, ये माठा माठा दही ये है। और यहाँ पे ये चावल वगैरह ऐसे ही पैकेटों में देखिए होते हैं, ये सब देख रहे हैं। ये गरम मसाला है, तेजपत्ता, उसके बाद दालचीनी, ज़ीरा, खड़ी धनिया, ये सब इसके अंदर है। और ये पैकेट में देखिए इलायची, देख रहे हैं, शक्कर, और ये नमक, और ये वाइट चना, ये काला चना, सब कुछ यहाँ पे। और ये मसूर की दाल वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलती है। और ये गरम मसाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाला मसाला मेहरान का है, पाकिस्तान का आता है, लेकिन ये सब तो बांग्लादेश का है। और ये कड़वा तेल कड़वा तेल, राई का तेल बोलते हैं ना शायद, ये यहाँ का बकाला होता है, देखिए मेरे दोस्तों। और ये केक वगैरह होते हैं नाश्ता सुबह में करने के लिए कोई भी टाइम, इसको फतीरा बोलते हैं। और ये पावरोटी है, ब्रेड पाव जिसे बोलते हैं। और ये खजूर वगैरह, हमें क्या लेना है वो मैं देख रहा हूँ। चलिए बहरहाल बच्चों का ख्याल करते हुए देखिए लॉलीपॉप लॉलीपॉप है ये देख रहे हो ना, ये बच्चों का आइटम ये सब है, देख लीजिए। बिस्किट, ये गंदूर चिकम ये है। और यहाँ पे कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल हमारा 8 रियाल होगा, अब हम चलते हैं। देख लीजिए पूरे आउट एरिया के ये सब रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए हैं लेने के लिए।